इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है, इल्म से है मजबूत मईशत। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करने में मुश्किल हो रही है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट नेट पे क्या होता है। टीचर का कोई असाइनमेंट अगर स्टूडेंट के स्ट्रीम लाइन पे आया हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक असाइनमेंट मौजूद है, स्टूडेंट ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो देखता है कि बैक टू स्कूल पोएम उसने बनानी है, 50 पॉइंट है इसके स्टूडेंट के पास और ड्यू डेट जो है वो कल की है। सिंपली स्टूडेंट ने क्या करना है कि अपने वो असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट करके उसके बाद वो अपने जो भी जेरे इस्तेमाल डिवाइस है उसके ड्राइव में रखे हैं उसको, और उसके बाद यहां पर आके एड और क्रिएट पे क्लिक करके, फाइल पे क्लिक करके, अपलोड पे आके, ब्राउज पे क्लिक करके, जहां कंप्यूटर में असाइनमेंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये इस ड्राइव में तराना के नाम से मौजूद है, इस पे क्लिक करें, ये असाइनमेंट अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद अगर मजीद कोई चीज है तो दोबारा इसी तरह ऐड और क्रिएट पे ये जो एक्टिविटी है इसको रिपीट करके दूसरी चीज भी डाल दें, और अगर एक ही है, एक ही फाइल है, यहाँ कोई भी फाइल जो सॉफ्ट कंप्यूटर में है, हार्ड मोबाइल डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में जा सकती है, वो अटैच हो सकती है यहाँ पर, सिवाय एक्जी फाइल के। अगर किसी टीचर ने किसी छोटे प्रोग्राम बनाने का कहा है एक्जी फाइल है तो उसको हमेशा जिप करके लाया जाएगा। बहरहाल उसके बाद जब ये अटैचमेंट कंप्लीट हो जाए आपने हैंड इन पे क्लिक करना है। हैंड इन पे क्लिक करते ही आपका असाइनमेंट आपके टीचर के पास पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल दो स्टेप है कि आपने सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है और हैंड इन करना है। आपका असाइनमेंट टीचर के पास पहुंच गया है, टीचर अपने एंड पे जाके जो भी आपकी मार्किंग होगी उसे आपको अपडेट कर देगा। जजाकल्ला।